अलीगढ़ में बीजेपी को सियासी घर बनाने पर घर बार छोड़ने की नौबत आ गई। मुस्लिम महिला ने बीजेपी का पर्चा भरा तो उसे मकान खाली करने का फरमान थमा दिया गया। मकान मालिक इसे विवाद से जोड़ रहे हैं तो बीजेपी सांसद और पुलिस तेज एक्शन में है। ये तस्वीरें अलीगढ़ की बीजेपी के सदस्यता अभियान की है, जहां लोगों ने बीजेपी से नाम जोड़कर मेंबरशिप ली। सदस्यता अभियान में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, योगी सरकार के मंत्री मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, ताकि पार्टी फले फूले। लेकिन यहां से विवाद भी फैल गया। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ली, लेकिन विवाद उनके घर मकान तक जा धमका। गुलिस्ता नाम की महिला के आरोप सुनिए उसके मकान मालिक पर। भाजपा की सदस्यता ली थी हमने और हमारा फोटो जो आया था पेपर में, इसमें पेपर देखा हमारा, तो वहाँ पर हमारे मकान मालिक ने सभा को हमारी आके बदतमीजी करी कि तुम वहाँ पर जा रही हो, ये हिंदुओं के साथ बदतमीजी करवा रही हो, ये कर रही हो और ये, और तुम हमारा मकान खाली कर दीजिए, मकान खाली करो यहाँ से और लिख लो अभी के अभी लिख लो। अब मसला बीजेपी की सदस्यता लेने का है या कुछ और? मकान मालिक और किराएदार के आपसी झगड़े में कहीं सियासत की एंट्री तो नहीं हो गई है? अब यहाँ सियासत के सारे मसले मौजूद है। शहर अलीगढ़ है, महिला मुस्लिम है, सदस्यता बीजेपी की है, तो पार्टी ने फौरन बिजली की रफ्तार से मसला लपका। जो किराएदार युवती है वो थाने पर आई थी और उसके द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसने जो है एक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, उसी को लेकर के जो है मकान मालिक की जो माँ है मदीना, जो 75 साल की वृद्धा है, उसके द्वारा जो है गाली गलौज की गई और उसको कुछ भला बुरा कहा गया है, उसी के आधार पे जो है तहरीर ली गई किराएदार महिला से और उसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, NCR पंजीकृत कराई गई है 323, 504, 506 IPC के तहत में। और जिन दो व्यक्तियों को उसमें नाम लिया गया है, एक सलमान नाम है और एक मदीना नाम है, उनके खिलाफ में जो है हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सलमान को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया है। बुरके में महिलाओं के जत्थे ने बीजेपी की पर्ची तो कटाई, लेकिन विवादों के साथ। अब पर्दे के पीछे वजह जो भी रही हो, लेकिन सदस्यता का भी धार्मिक वर्गीकरण हो ही गया।